दलित की जमीन पर ग्राम प्रधान ने करीबी कर रहे हैं कब्जा, डीएमसी की शिकायत। शाही थाना क्षेत्र के दलित परिवार ने गांव के प्रधान के नज़दीकियों पर पट्टे की जमीन पर कब्जा करने का आरोप लगाया। दलित पीड़ित परिवार ने डीएम दफ्तर पहुंचकर मामले की शिकायत की है। दलित पीड़ित परिवार के मुताबिक 1 मार्च 2001 को उनके पिता को सब्जी खाता गांव में करीब लगभग 9 बीघा जमीन खुली बैठक में मिली थी। तब से उनका परिवार उस जमीन को जोत रहा था। अब उनके गांव प्रधान और उनके करीबी पट्टे की 4 बीघा जमीन पर कब्जा कर रखा है, जबकि अन्य बची 4 बीघा जमीन पर ग्राम प्रधान उनके साथ ही कब्जा करना चाहते हैं। उस जमीन पर उनके परिवार के लोग गन्ने की खेती कर रहे हैं। आज पीड़ित प्रेमपाल अपने परिवार के ओम प्रकाश चंद्रसेन पुत्र स्वर्गीय डोरीलाल डीएम दफ्तर पहुंचे और मामले की शिकायत की। पीड़ित परिवार ने डीएम दफ्तर में बताया कि उनका परिवार बेहद गरीब है, उसके परिवार को पट्टे में मिली जमीन पर कब्जा करना चाहते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम प्रेमपाल है, सब्जी प्रखाता पोस्ट नगरिया सोबनी थाना मनीषाही और जिला बरेली तहसील सदर में है साहब। क्या मामला है? मामला ये है कि साहब हम मानी सन 2001 से सरकारी संपत्ति है जो गाटा संख्या 655 है और उसमें से रकबा नंबर है 544 जो लगभग 8 बीघा 14 बिस्से है। उसमें हम साहब गांव के ग्राम सभा सब्जीपुर खाता के लोग चंद लोगों ने हमें भले व्यक्तियों ने हमें दिलवाई थी और उसी से हमारे पिताजी जोते खाते आए, हम भी जोते खाते आए। हमारे पिताजी के नाम 2001 में प्रस्ताव हुआ था, उसी प्रस्ताव को लेते हुए हम उसको जोलते चले आए। आज तक कोई प्रधान ने नहीं लगवाई और आज साहब गंगवार हैं प्रधान, उसके भाई है चचेरा जिसे मतलब बाबूराम और रामकृष्ण बंटी ये और मैंने प्रधान के सगे परिवार के हैं। हमने हमारे भाइयों ने इनसे कहा कि प्रधान जी हमारा फैसला करवा दो और थोड़ी देर पैर भी पकड़े साहब, पैर भी पकड़े कि हमारा फैसला करा दो, पूरा रकबा निकाल कर और उसको मरी एक तरफ तो रोड डाल दो। फिर भी प्रधान ने नहीं सुनी, हमारी बात नहीं मानी। हम गरीबों को की सुनने वाले नहीं है और हमारे जराय धर्म का जाता है और वो 80 बीघा जोता है, 80 बीघा के जोता है साहब। हमारे गंगवार लोग हैं, प्रधान है जिसके खेत में से निकली है जमीन, हाँ तो उसमें से हमारा वो कब्जा हटाना चाह रहे हैं। आईसीएम साहब को हमने पर्चा दे दिया, रोड निकालना चाह रहे हैं, हाँ रोड निकालना चाह रहे हैं, हमारे कब्जा हटाना चाह रहे हैं जो हम जी उतना साहब 4 बीघा जमीन है, हाँ हाँ पूरा कब्जा करना चाह रहे हैं। हम जाटा हैं साहब, जाटा समाज में वो मानी गंगवार है, हाँ उस पर पूरा कब्जा करने चाह रहे हैं और उल्टे सीधे शब्दों का बच्चे जाते हैं तो बच्चों को साहब मान रहे हैं और हमारे मान जान को हमारे तीनों भाइयों को मैंने इन लोगों से बहुत खतरा है और मैंने जो सोचते हैं कि मैंने यहीं से भाग जाओ तुम और तुम्हारा यहाँ कुछ नहीं है। लेखपाल हाँ लेखपाल साहब कह रहे हैं कि अगर आपने कब्जा नहीं छोड़ा तो हम आपको खिलाफ मुकदमा कर देंगे। जमीन सरकारी जमीन है साहब, नाम आ हमारे नाम नहीं आई, जोत रहे साहब जोत रहे चले आए गांव के समाज चंद लोगों ने वहाँ पर मानी दे दिए, बोले भूमि ही ना बेचारे ये मेरे हम सब परिवार के हैं साहब, हाँ हाँ भूमि दे दिए साहब। और आईसीएम साहब से हम मिले, आईसीएम साहब को प्रार्थना पत्र दिया हमने तो प्रार्थना पत्र में आईसीएम साहब ने कहा कि आपके नाम पट्टा हो जाएगा। फिर भी हम दोबारा फिर आईसीएम साहब से मिले तो बोले जमीन महंगी हो गई साहब, और जमीन महंगी हो जाने के बाद हमने प्रार्थना पत्र हमने हाथ जोड़ के निवेदन करा, हमारे भाई की लड़की की शादी है साहब, उसमें गन्ने की फसल खड़ी है और गन्ने की फसल खड़ी है, हमने साहब अगर खाली कराना चाहते हो तो हमारी गन्ने की फसल कट जाओ, जिसमें हमने प्रक्रिया अगले कर दी है, हमारे भाई ने लकड़ी काट ली है, उसमें काटने के बावजूद उस लकड़ी पे वहाँ विपक्ष लोग वहाँ पहुँच गए मारने के लिए, तो ये लोग भाजी आए, ट्राली भी गन्ना की रोकी गई, प्रार्थना पत्र साहब थाने में नहीं पहुँच पाया है, वो भी थाने में पहुँचाएंगे हम। और साहब हम ये सोच रहे हैं कि अगर जिलाधिकारी से ये मांग कर रहे हैं साहब कि मौखा की जांच कराया गया, उसका रकबा निकाल कर पूरा रकबा निकाल कर और एक साइड से रोड निकाल दिया जाए और बाकी जो रह जाए, तो अगर सरकार चाहती है भूमिहीन लोग हैं और इनका जीवन यापन बच्चों का चलता रहा है तो हमें दे दिया जाए साहब, अगर उनके नहीं अगर वो हो तो साहब वो सरकार की मर्जी है साहब।